सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस प्रांजल एंड वेलकम टू बियॉन्ड टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीके इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों को कैसे पागल बना रही है। ये नहीं बोलना था, मजाक की बात साइड में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको किसी और नहीं बताऊंगा। नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जिनको बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स बारे में नहीं पता, मैं उनको बता देता हूँ कि आप में से बहुत लोग ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस या आईक्यू के फोन तो यूज करते ही होंगे। सारे लोगों को लगता होगा ये सारी अलग कंपनीज हैं। अलग तो हैं क्योंकि इनके सीईओज अलग है, इनकी ब्रांड वैल्यू अलग है और साथ साथ इनकी मार्केटिंग टिप्स भी अलग है, बट इन सबको ओन करने वाली कंपनी एक ही है जो की है बीबीके। तो गाइस, बीबीके एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है जो फोन और टीवीज के अलावा MP3 प्लेयर, कैमरा और बहुत कुछ बनाती है, बट ये सारी चीजें चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में मिलती है, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं मिलती। बीबीके वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका चाइनीज में मतलब होता है राइजिंग स्टेप बाय स्टेप। 1995 में बीबीके को स्टार्ट किया था डियोंग योंग पिंग ने, जो कि प्रेजेंट में अभी उसके ओनर है। पहले ये फोन्स नहीं बनाते थे, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ये CD DVDs बनाते थे जो कि अभी भी बनाते हैं। सबसे पहले जो इन्हें कंपनी बनाई थी वो थी ओप्पो, जो 2004 में बनी थी। इसी के साथ इन्हें 2009 में बनाई थी वीवो को। दोनों फोन सेम ही है इसलिए मैंने इसको एक साथ रखा है। तो गाइस, इन दोनों फोन का एक ही एम था जो था टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, यही कंपनी है जो सबसे पहले स्लिमेस्ट फोन बनाए थे। इन दोनों कंपनी है जो सेंसर पे ज्यादा ना फोकस करके कैमरा के मेगा पिक्सल बढ़ाती रहती है और पॉपअप कैमरा वाले फोन। और अभी तो एक लीक्स निकल के आ रहे हैं कि वीवो एक ऐसा फोन बना रहा है जिसमें उसका कैमरा ड्रोन की तरह निकलेगा और इसे फ्लाई होगा। ये भी टेक्नोलॉजी बहुत मस्त से, देखते हैं कब तक आती है। कि ओप्पो ने एक रोलिंग फोन बनाया था जो कि रोल होके एक बड़ा डिस्प्ले बन जाता था। ओप्पो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। जब स्मार्टफोन रिलेशन बढ़ गया था तब बीबीके ने एक नई कंपनी स्टार्ट की थी जो की थी वन प्लस 2013 में। उसका मेन रीजन ये था कि ओप्पो और वीवो फोन इंडिया और चाइना के अलावा और कहीं ज्यादा बिकते नहीं थे। उस टाइम पे इंडिया में लोगों को ज्यादा फीचर्स के बारे में पता नहीं था और ये बाहर की कंट्रीज में इससे ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स वाले फोन आते थे। बाहर की कंट्रीज में ज्यादा लोग फ्लैगशिप लेवल के फोन ही यूज करते हैं। उस टाइम पे फ्लैगशिप लेवल के फोन में भी इतने अच्छे फीचर्स नहीं आते थे, तो बीबीके ने सोचा क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाया जाए जो कि फ्लैगशिप लेवल पे बहुत अच्छे फीचर्स थे। इसको इन्होंने कहा फ्लैगशिप किलर, जो ये रियली डिजर्व करती है। और एक और बहुत बड़ा रीजन इसका सेल होने का वो था ऑक्सीजन OS, जो कि हमें एकदम क्लीन एंड्रॉइड देता है जो कि और कोई फोन में नहीं मिलता, एकदम क्लीन एंड्रॉइड, और इसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं दिखेगा। ब्लोटवेयर मतलब कोई भी थर्ड पार्टी है। और एक और बहुत बड़ा रीजन क्यों ओप्पो वीवो बाहरी कंट्रीज में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना अच्छा वन प्लस ने किया। ओप्पो वीवो नाम इतने प्रीमियम नहीं लगते जितना वन प्लस लगता है, जो कि इन्हें एक प्रीमियम फोन बनाना था। अब बात आती है रियलमी पे, जो कि इन्हें 2018 में लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करने का मेन रीजन था जो कि है Xiaomi, जो कि उस टाइम पे टॉप सेलिंग स्मार्टफोन पे नंबर वन पे आता था, जो कि अभी भी है। लिस्ट देख सकते हैं जिसमें टॉप सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड के नेम है और इसमें नंबर वन पे MI है। Xiaomi के फोन्स का बिकने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये कम रेट में बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ज्यादा ही फीचर्स देते हैं। इन्हें अभी तक जितने भी ब्रांड्स बनाए थे उसमें से कोई भी ब्रांड कम रेट में ज्यादा फीचर्स नहीं देता था, और इसीलिए इन लोगों ने Realme को बनाया। ये कंपनी बनाने के लिए बीबीके ने बहुत गदर वाली कॉपी की है, यहाँ तक कि नाम में भी। जैसे कि आप देख सकते हो Realme और Redmi के पहले और लास्ट के दोनों लेटर सेम ही है। नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि Realme ओप्पो का सब ब्रांड है। अब बात आती है आईक्यू पे। सो इस आईक्यू स्टार्ट हुआ था 2019 में, और इसका मेन रीजन ये था कि जब वीवो ने एक नया फोन लॉन्च किया जो बस ऑनलाइन मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जिनको वीवो के फोन पसंद है वो लोग दुकान पे पहुंच गए ये फोन लेने, बट ये तो ऑनलाइन फोन था, ये खाली ऑनलाइन मिलने वाला था। वो लोग जो लोग ऑफलाइन फोन खरीदते हैं वो लोग ये फोन नहीं खरीदे, और ज्यादातर वीवो के फोन ऑफलाइन ही बिकते हैं, इसलिए ये वाला फोन वीवो का ज्यादा बिका नहीं। अभी आईक्यू बना, इसमें सारी चीजें तो वीवो की तरह, बस इसका लोगो आईक्यू का है। एक और बहुत बड़ा रीजन था जो कि था मिड रेंज में गेमिंग फोन लाना, इसीलिए आज तक आपने जितने भी आईक्यू के फोन देखेंगे उसमें या फिर प्रोसेसर अच्छा होगा या फिर उसका रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बीबीके ने इतने सारे ब्रांड स्टार्ट किए। अब बात करेंगे कि बीबीके ने जितने भी ब्रांड स्टार्ट किए वो सारे कैसे अच्छे चले, और उसकी कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो पहली स्ट्रेटेजी तो यही बन जाती है कि उसने हर एक टाइप के पीपल को टारगेट किया। फॉर एग्जाम्पल, जिनको ऑनलाइन फोन खरीदना होता है वो रियलमी, आईक्यू या वन प्लस के फोन खरीद सकते हैं, और जिनको ऑफलाइन फोन खरीदना है वो लोग वीवो, ओप्पो या रियलमी खरीद सकते हैं। जिनको गेमिंग करनी है उसके लिए आईक्यू है, और जिसको थोड़ा प्रीमियम फोन चाहिए उसके लिए वन प्लस है। थोड़ा स्टाइलिश फोन चाहिए जिसका कैमरा भी अच्छा हो वो लोग वीवो या ओप्पो खरीद सकते हैं, और जिसको कम रेट में बहुत अच्छे खासे फीचर्स चाहिए वो लोग रियलमी खरीद सकते हैं। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग बस अलग अलग फोन खरीद रहे हैं, बट रियलिटी तो ये है कि सारा पैसा बीबीके के जेब में जा रहा है, समझ रहे हो।
तरह ये सारे ब्रांड बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि एप्पल और सैमसंग को भी पीछे कर दे रहे हैं। एक तरह से बोले तो ये सारे ब्रांड नंबर वन पे हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल कोई फोन की शॉप के ऊपर तो बैनर देखे होंगे और आपने एक चीज नोटिस की होगी, कभी भी ओप्पो और वीवो के बैनर बाकी सारी कंपनी से ज्यादा बड़े बड़े लगे रहते हैं। आपने ओप्पो वीवो रियलमी के बहुत एड भी देखे होंगे टीवी पे। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से बीबीके इतना सक्सेसफुल है। ये गड़बड़े बाबा। मैं आपको एक चीज बताना तो भूल गया, अगर आपके पास कोई भी फोन है तो आप उसमें एक चीज कर सकते हो, वो है नीचे बियॉन्ड टेक को सब्सक्राइब। यहाँ तक वीडियो देखी तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वेट क्या कर रहे हो, दबा दो लाइक वाला बटन। ये भी कोई बताने की चीज है, तो रुको जरा, सबर करो। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंदी नहीं हुआ।